अगली वीडियो में आज हम पुणे टेस्ट मैच की हाइलाइट्स पे जरा नजर डालते हैं। इसमें इंडियन क्रिकेट टीम का अपने घर में बेताज बादशाह होने का जो एक गुरूर था, जो एक घमंड था, वो आज टूट गया है। कीवी टीम ने टीम इंडिया को पुणे में खेले जा रहे सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच में 113 रन की करारी शिकस्त देकर 12 साल बाद घर में हार का जख्म दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, पुणे टेस्ट में खेले गए सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया को न्यूजीलैंड ने जीत के लिए 359 रनों का टारगेट दिया था, जिसे रोहित शर्मा एंड कंपनी हासिल नहीं कर सके और दूसरी इनिंग में सिर्फ 245 रन के स्कोर पर ढेर होने के साथ ही इस सीरीज को 0-2 से गवा दिया। इस मैच के तीसरे दिन न्यूजीलैंड की टीम 5 विकेट पर 198 रन के आगे खेलनी उतरी। कीवी टीम की अगर बात करें तो तीसरा दिन उनके लिए कुछ खास नहीं था। उनकी पूरी जो टीम थी वो 255 रन के स्कोर पर ही निपट गई। जिसमें ग्लेन फिलिप्स की बात करें तो उन्होंने 48 रन की पारी जरूर खेली, लेकिन इसके बाद टीम इंडिया को जीत के लिए 359 रन का टारगेट मिला। टीम इंडिया के लिए एक बार फिर कैप्टन रोहित शर्मा सिर्फ 8 रन बनाकर पवेलियन की तरफ लौट जाते हैं, लेकिन इसके बाद शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल ने ताबड़तोड़ बैटिंग की। जायसवाल जब तक क्रीज पर थे लग रहा था कि इंडिया कुछ बड़ा कर सकती है, लेकिन 65 बॉल में 77 रन बनाकर जायसवाल के आउट होने के बाद तो विकेट की मानो झड़ी लग जाती है। देखते ही देखते टीम इंडिया ने 167 रन के स्कोर पर 7 विकेट गंवा दिए थे। मिचेल सेंड्रा टीम इंडिया की बैटिंग पर पूरी तरीके से हावी दिखाई दिए। इसके बाद अश्विन और जडेजा ने टीम के लिए स्कोर को 200 के पार पहुंचाया, लेकिन फिर अश्विन 18 रन बनाकर चलते बने तो वहीं जडेजा लास्ट में 42 रन बनाकर आउट हुए और मैच में इंडिया टीम 245 के स्कोर पर आउट होने के साथ ही ये मैच 113 रन से हार गई। इंडिया को घर में 12 साल बाद टेस्ट सीरीज में हार का सामना करना पड़ा। इसे लेकर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा।